आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप IPPB ऐप के अंदर लॉगिन कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप इस ऐप को खोलते हैं और यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ और अपने मोबाइल नंबर लगा के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, परंतु आपको लॉगिन करने में कई सारी दिक्कत आ रही होगी। तो आज मैं आपकी उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक वीडियो में देने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको पूरा और ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप इस ऐप के अंदर लॉगिन होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो बैंक डायरी है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस की डायरी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी डिटेल नहीं मिलने वाली जिससे कि आप इस ऐप को लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और अकाउंट आईडी आपको इस बुक के अंदर नहीं मिलता है, जिसको यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाके यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कराना होता है, जो कि वहाँ पे आपका हाथों-हाथ क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे जब आप क्रिएट करा लेते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और CIF नंबर मिलते हैं, जो कि अकाउंट आईडी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता लूँ कि जो ये अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे इस ऐप के अंदर ऊपर आपको यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिए हुए वहां पर आपको अकाउंट नंबर जहाँ भी आपने अकाउंट खुला है वहां पे आपको जो ये कार्ड बना के देते हैं इस पर आपको सबसे ऊपर अकाउंट नंबर मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 नंबर का जो नंबर है वो अकाउंट नंबर है, और नीचे यहाँ पे जो CIF नंबर है वो यहाँ पे अकाउंट आईडी है, जिसको यहाँ पे आपको लगाना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने उस अकाउंट के अंदर कौन से लगाए वो यहाँ पे आपको लगाना है। उसके बाद आपको अपना जो लिंक किया वो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैंने जब पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलाया तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड उन्होंने दिया, जिस पर उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर और CIF नंबर दिए, जिसका मतलब होता है अकाउंट आईडी, जो कि मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और लगाने के बाद यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लगा लिया है। और लगाने के बाद यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। अब हमें बस केवल यहाँ पे जो न्यू MPIN है वो बनाने हैं, जो कि यहाँ पे आप जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 नंबर पर कोई भी एक न्यू पिन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे उसी पिन को मैंने यहाँ पे नीचे लगाया और उसके बाद यहाँ पे उस पिन को यहाँ पे सेट MPIN पे क्लिक करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिए, आपको भी इस प्रकार से लिख के हाइड कर लेना है और उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पोस्ट पेमेंट बैंक की जो आईडी है, जो ऐप है, उसके अंदर हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक OTP आता है जिसको हमें कंफर्म करना होता है, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो हाथों हाथ यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपने जो भी MPIN बनाया है वो MPIN यहाँ पे लगाना है, और MPIN लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये IPPB बैंक है उसके अंदर हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे हम पोस्ट पेमेंट बैंक जो ऐप है इसके अंदर किसी भी बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में आप सुकन्या समृद्धि योजना जो आपने खाता खोला है उसके अंदर भी इसके द्वारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसको आप इससे यूज कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।